तो सृष्टि के शुरुआत में जो भगवान का सबसे पहला जो विस्तारित स्वरूप है भगवान से जो सबसे पहला विस्तारित स्वरूप है उसे कहते हैं महाविष्णु और महाविष्णु का एक और नाम भी है कारणोदकशाही विष्णु कारण उदकशाही मतलब जो सभी के कारण है इस पूरी सृष्टि का जो कारण है वो महाविष्णु का एक और नाम है कारणोदकशाई विष्णु so, कारणोदकशाई विष्णु कारण जल ओशन कहते हैं उस पर लेटे हुए हैं और उनसे एक और विष्णु का स्वरूप जो है विस्तारित होता है और उन्हें कहते हैं गर्भोदकशाई विष्णु जब कारणोदकशाई विष्णु के बॉडी के पोर्स जो शरीर के होल्स हैं उनमें से असंख्य जो है लोक और यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड जो है वो एक्सपांड होते हैं बाहर आते हैं और उस हरेक ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु का स्वरूप है जिसको बताया जाता है गर्भोदाई विष्णु सो so, आध्यात्मिक जगत में भगवान के असंख्य स्वरूप है अनलिमिटेड कहते हैं और वह असंख्य स्वरूप अपने असंख्य भक्तों के साथ असंख्य लीला कर रहे हैं अनलिमिटेड भगवान की जो मात्रा है वह सब कुछ अनलिमिटेड है उनका नाम उनके गुणगान उनके कार्य उनकी लीलाएं सब कुछ अनलिमिटेड तो वैसे असंख्य स्वरूपों में भगवान के ये स्वरूप है जो सबसे पहले कारणोदकशाई विष्णु में से विस्तारित होते हैं गर्भोदकशायी विष्णु और गर्भोदशायी विष्णु जो है उनके गर्भ में से एक दिव्य कमल उत्पन्न होता है और उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं और बताया गया है कि उस विष्णु में से एक और विष्णु का विस्तार होता है जिनको कहा गया है क्षीरोदकशाई विष्णु और ये शीरोदकशाई विष्णु वह है जो हरेक कण में जाके स्थापित होते हैं कहते हैं ना परमात्मा सभी जीव में है कण कण में भगवान है तो ये जो हम कहते हैं वो क्षीरोदकशाई विष्णु का वर्णन किया गया है और हम सभी जानते हैं के भगवान के इस विभिन्न प्रकार के जो अवतार है जब भगवान अवतरित होते हैं इस भूलोक पर अपनी लीलाएं करने के लिए तो वो सारी लीलाएं प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस शिरोदकशाई विष्णु के माध्यम से ही अवतरित होते हैं